हाय गाइस, सो अभी बज रहा है रात के 10:30 और अभी मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि घर आने के बाद मैं थोड़ा वीडियो देखने में बिजी हो गई थी। मैंने बहुत दिन से कैरी का, फिर लक्ष का, फिर ट्रिगर्ड इंसान, ये सब का वीडियो मैंने मिस कर दिया था। बहुत दिनों से नहीं देखा था तो सबका पुराना पुराना वीडियो देख रही थी। मतलब देख रही थी कि कौन किसको रोस्ट कर रहा है एंड वगैरह वगैरह। अभी मैंने तो लिपस्टिक विपस्टिक रिमूव कर दिया जो मैं लिपस्टिक पहन के रखा था, पर लिपस्टिक ने मुझे स्टेन कर दिया। एक मैंने एक पर्पल लिपस्टिक पहना था और उससे मेरा ये पिंक स्टेन हो गया। दिस इज माई लिप्स आर नॉट सो पिंक नेचुरली, ये स्टेन के वजह से है। कल सुबह ही ठीक हो जाएगा। सो अभी कल एक इन्विटेशन है आप को, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि एक वेडिंग है। तो वेडिंग एक्चुअली मेरे एक मामा जी का है। मामा जी बोलने में बहुत वियर्ड लग रहा है क्योंकि मैं उसको मामा की तरह ट्रीट नहीं करती हूँ, उसको मैं फ्रेंड और भैया की तरह ही ट्रीट करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। मतलब हमारे ही एज के आसपास है। सो इसीलिए मेरे उस सो कॉल्ड मामा जी का वेडिंग है तो उसके लिए मुझे सब कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है कि कौन सा ड्रेस पहनूं एंड ऑल दैट। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, पर कौन सा साड़ी पहनने वाली हूँ वो अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास करेंटली दो ऑप्शंस हैं। सो आज एक्चुअली मैं गिव अवे के लिए क्लोथ्स भी डिसाइड करने वाली हूँ। मतलब गिव अवे मतलब आप लोगों के साथ गिव अवे नहीं, मतलब मैं दे देने वाली हूँ, कुछ डिक्लटर करने वाली हूँ क्लोथ्स, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पसंद नहीं आ रहा है अभी कुछ कुछ चीज़। सो इसलिए मैं उसको डिक्लटर करके हमारे घर पे जो काम करती है उनको देने वाली हूँ। उनके जो बच्चे हैं वो पहनेंगे या फिर वो भी पहन सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो मैं देने वाली हूँ वो है ये जेगिंस। तो ये मैं लास्ट कुछ दिनों से पहन रही थी। ये जेगिंस मैं देने वाली हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड नाइस मटेरियल, मुझे ये बहुत पसंद है। ये मैंने पैंटलून से खरीदा था, पैंटलून से या बिग बाजार, पैंटलून से ही खरीदा था। ये बहुत ही अच्छा एक मटेरियल है, मतलब बहुत सॉफ्ट है। दिस इज नॉट लाइक जीन्स। जेगिंस का मतलब है दिखने में जीन्स की तरह होगा पर कंफर्टेबल होगा लेगिंग्स की तरह, इसलिए मुझे जेगिंस बहुत पसंद है। तो दिस इज अ ब्राउन कलर्ड जेगिंस और ये मैं बहुत दिनों से पहन रही हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी गिव अवे का, मतलब दे देने का। और इसका थोड़ा ये मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा रॉ रॉ भी निकल गया है, मतलब जो होता है ना, मतलब कपड़े का जो रॉ रॉ होता है वो थोड़ा निकल गया है। तो इसलिए मैं ये दे देने वाली हूँ क्योंकि इसको मैं पहनने नहीं वाली हूँ तो इसको रख के क्या करूँ, इसलिए दे दूंगी। और फिर मैं ये वाला ब्लैक स्वेटर जो है, जो मैं आप लास्ट कुछ व्लॉग्स में देख रहे थे, ये वाला ब्लैक स्वेटर, ये मतलब बहुत ही परफेक्ट एक स्वेटर है विंटर टाइम के लिए। और ये हर एक ड्रेस ड्रेस के साथ जाता है क्योंकि ये कुछ कुछ भी काम नहीं है इसमें, एकदम प्लेन ब्लैक स्वेटर है, इसलिए हर एक जो ड्रेस है सबके साथ ये जाता है, सबके साथ मैचिंग होता है। तो इसीलिए मैंने इसको लिया था। ये एक्चुअली मेरी मौसी ने मुझे लाकर दिया था जबलपुर से, मतलब मध्य प्रदेश से। वो जब मध्य प्रदेश में रहते थे और साल में एक बार आते थे तब मुझे लेकर दिया था क्योंकि मुझे चाहिए था एक ब्लैक स्वेटर। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए एक ब्लैक स्वेटर ले आना, तो इसीलिए वो तब लेके आए थे। और ये बहुत ही पुराना एक ब्लैक स्वेटर है, ये शायद मैं क्लास 8 से कंटिन्यू पहन रही हूँ। बहुत बहुत पुराना स्वेटर है। 6-7 साल तो हो ही गया है। और ये गर्म भी बहुत है, मतलब अगर ज्यादा कोल्ड हो तब भी ये आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस स्वेटर। इसको मैं इसीलिए इतने दिन तक यूज कर रही थी, मुझे देने का थोड़ा सा भी मन नहीं था पर बहुत दिन यूज कर लिया है, अभी यूज करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं दे दे रही हूँ।
ये वाला एक स्वेटर मैं देने वाली हूँ और एक जेगिंस मैं देने वाली हूँ और एक लेगिंस भी मैं देने वाली हूँ। ये है लेगिंस, मतलब जो विंटर का जो लेगिंस होता है ना, ये वैसा वाला लेगिंस है। ये वुल मटेरियल का है, थोड़ा सा जो हल्का वाला वुल होता है वैसे मटेरियल का है। और ओके, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं वो ब्लैक साड़ी ही पहनने वाली हूँ और उसके साथ मैं ये वाला ब्लाउज पेयर करने वाली हूँ, ये रेड और गोल्डन ब्लाउज। इसको शायद चंदेरी ब्लाउज बोलते हैं, मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है। सो दिस इज एक्चुअली नॉट माई ब्लाउज, ये मेरे मम्मी का ब्लाउज है, इसीलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, पर अंदर से ये पूरा स्टिच्ड किया हुआ है, बहुत ज्यादा स्टिच किया हुआ है। और ये मेरे ठाकुमा ने मेरे लिए स्टिच कर दिया था, एंड वो ही मेरे लिए हमेशा सब कुछ स्टिच करती है। एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट थिंग दैट शी स्टिच्ड फॉर मी, सो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। और मैं ये मम्मी को वापस देने वाली थी, मैंने ये लिया था कुछ काम से, कुछ ओकेशन था जब मुझे ये रेड चंदेरी ब्लाउज का जरूरत था, पर मैंने इसको वापस नहीं किया है, मैंने इसको रख लिया है मेरे पास, बिकॉज दिस इज स्टिच्ड बाई माई ठाकुमा, सो फॉर अ मेमोरी पर्पज आई हैव केप्ट इट विथ मी। सो इसीलिए इसको ही मैं पहनने वाली हूँ। और अभी डिसाइड करना है कि मैं क्या ज्वेलरी पहनूँ। हाय गाइस, सो मैंने कल ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया है, मैं आज कल का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल बहुत रात हो गया था। मैं तो सोई आज सुबह 4 बजे, पर कंटिन्यू नहीं किया ब्लॉग क्योंकि मतलब थोड़ा बिजी हो गई थी, इसीलिए तो इसीलिए मैं अभी ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। पर ब्लॉग एंड करने से पहले मैं दिखा देती हूँ कि हम लोग वेडिंग में क्या गिफ्ट दे रहे हैं। सो दिस इज फ्रॉम अ ज्वेलरी स्टोर कॉल्ड बाबा लोकनाथ स्वर्ण मंदिर। तो इसके अंदर एक गिफ्ट है वो। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। ये भी हमारे यहाँ पे बाजार का ही एक दुकान है, ज्यादा दूर का कोई दुकान नहीं है। एंड दिस इज अ सिल्वर पीस, ये जो सिंदूर रहता है अंदर, ये हम बंगाली में बोलते हैं सिंदूर दानी। सो इसके अंदर सिंदूर रहता है। दिस इज द पीस दैट वी गॉट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सिल्वर का है ये, प्योर सिल्वर का, और यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर का डिजाइन किया हुआ है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और अंदर ये सिंदूर रखने का जगह है। एंड दिस इज द मतलब ढक्कन, हाँ। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये एक सिंदूर दानी है, मतलब सिल्वर का, रियल सिल्वर का। सो इसके अंदर अभी मैं सिंदूर डालने वाली हूँ, फिर हम इसको गिफ्ट करेंगे। सो या मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ, और अभी अभी से मैं आज का वीडियो शुरू करने वाली हूँ। अभी तो ऑलरेडी 3:30 होने वाला है, तो अभी से मैं आज का वीडियो शुरू करने वाली हूँ। सो या अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आईडी इज लिंक्ड डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय।